डॉक्टर पाठक और डॉक्टर सूरज को मैं 15 साल से जानती हूँ। वो बिट्रे नहीं करेंगे। वो आदमी परसों मरा, उसे मैं 40 साल से जानता था। साल तो डजंट सीम टू वर्क फॉर मी दिव्या। कैपिटल एन कैपिटल ओ, दैट मींस नो। इतना समझता है तो तू क्यों बार बार आता है? 4 महीने। 1990s में और नई सेंचुरी में US इंटेलिजेंस कम्युनिटी के 4 मेन स्पाई एजेंट थे, जो अभी रूस के लिए भी जासूसी कर रहे थे। उन्हें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पकड़े जाने वाले उन डबल एजेंट्स में सबसे पहले एल्रिच एम्स थे। एडवर्ड ली हार्वर्ड पर अपने सोवियत ब्लॉक नेटवर्क के एजेंट्स के पकड़े जाने के हो रहे नुकसान का आरोप लगाया। उस वक्त एडवर्ड ली भी सोवियत यूनियन को इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे थे। लेकिन जब CIA ने 3 और इम्पोर्टेंट एसेट्स यानी कि एजेंट्स को खो दिया, जिनके बारे में हार्वर्ड ली जानते भी नहीं थे, तो ये क्लियर हुआ था कि जितने भी अरेस्ट हो रहे हैं वो किसी और सोर्स से लीक हो रहे हैं। इस टीम ने कई पॉसिबल कारणों की जांच की, जिसमें एक पॉसिबिलिटी शामिल थी कि KGB ने एजेंसी को खराब कर दिया था, या इसके अलावा कम्युनिकेशन को रोक दिया था, या इस जगह में डबल एजेंट था। 1990 तक CIA को यकीन हो गया था कि एजेंसी में कोई डबल एजेंट है, लेकिन उस सोर्स का पता नहीं लगा पा रही थी वो। नए सोवियत एजेंटों की भर्ती एक तरह से रुक गई, क्योंकि एजेंसी को डर था कि वो अपनी मौजूदा एजेंट्स की रक्षा ही नहीं कर पा रही थी। इससे पहले नवंबर 1989 में एक एम्प्लॉय ने बताया कि एल्रिच एक CIA ऑफिसर से अलग एक लग्जरी लाइफस्टाइल का आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं, और उनकी पत्नी का परिवार भी इतना अमीर नहीं था जितना उसे बताया गया था। USSR में पैदा हुए एक एम्प्लॉय के साथ CIA में एंटर किया था। 1986 और 1991 में एम्स ने सोवियत यूनियन के लिए जासूसी करते हुए 2 पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन पास किए। एम्स शुरू में टेस्ट देने की पॉसिबिलिटी से डर गया था, लेकिन उसे KGB ने रिलैक्स रहने के लिए कहा। CIA ने आखिरकार एम्स पर फोकस किया जब एम्प्लॉयज ने उसके कपड़ों और उसकी लाइफस्टाइल में आ रहे महंगे चेंजेस को नोटिस किया। इसी बीच CIA और FBI को पता चला कि उनके द्वारा भर्ती किए गए रूसी ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया जा रहा था और उन्हें मार दिया जा रहा था। इन ह्यूमन सोर्सेज ने USSR के बारे में इम्पोर्टेंट खुफिया जानकारी प्रोवाइड की थी, जिसका यूज अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स ने अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के बनाने में किया था। एम्स की जायदाद के बारे में एनालिटिकल रिव्यूज और रिसिप्ट मिलने के बाद FBI ने मई 1993 में एक जांच शुरू की। FBI के स्पेशल एजेंट और इन्वेस्टिगेशनल स्पेशलिस्ट ने 10 महीने की जांच के दौरान एम्स को फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में रखा। बाद में एल्रिच से FBI और CIA की पूछताछ में एम्स ने बाकी ह्यूमन रिसोर्सेज जो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे थे उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहा। एक बेहतरीन स्पाई डबल एजेंट जिन्होंने अपनी ही इंटेलिजेंस एजेंसी की इन्फॉर्मेशन को पैसों के लिए सोवियत यूनियन और रशियंस को बेचा। एल्रिच एम्स जैसा डबल एजेंट एक कैरेक्टर के रूप में, या फिर ये इंसिडेंट किसी छोटे से सीन के रूप में हमें पठान फिल्म में भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब देखते हैं कि पठान के मेकर्स इस फिल्म में हमारे लिए क्या कुछ खास और नया लेकर आते हैं। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है तनु चौहान।